हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम बात करेंगे MCA की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में कि अगर आपकी एग्जाम जून 2020 में होने वाली थी और कोरोना की वजह से एग्जाम की प्रैक्टिकल फाइल की कोई भी क्लासेज अगर आपके लिए नहीं लगी है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से अगर आप MCA कर रहे हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो एक पेपर था MCA 306 जिसकी की काउंसलिंग क्लासेज लगा कर दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जिसकी क्लासेज नहीं लगी है और अगर उसकी प्रैक्टिकल फाइल अगर आपने जमा नहीं कराई है तो इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए आपको अगर आप जून 2020 में एग्जाम देने वाले थे तो जिसके लिए 25 दिसंबर तक की डेट दी हुई थी, तो जो ये डेट जा चुकी है लेकिन अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ने ये अगर फाइल जमा नहीं करवाई है तो इस वीडियो की मदद से आप ये फाइल जमा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपकी जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें जो आपको दी गई थी उसकी आपको सहायता लेनी है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो narora@vomu.ac.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कवरिंग लेटर लगाना है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ पर आपको ये जानकारी अंकित करनी है जिसका कि एक कवरिंग लेटर है वो मैं आपको बना के दे दूंगा, जिसमें स्कॉलर नंबर, विद्यार्थी का नाम, पिताजी का नाम और वगैरह वगैरह, ये काफी डिटेल जो है ये आपको बनानी है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ प्रैक्टिकल, जिसमें आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स, एडवांस वेब टेक्नोलॉजी, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस तरह की जो लैंग्वेज वगैरह जो है आपके, जैसे MySQL है, PHP है, HTML, CSS वगैरह का यूज करते हुए आपको प्रैक्टिकल जो मटेरियल है वो आपको तैयार करना था। जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो आपका पेपर है जिसमें से आपको डेटा तैयार करना था, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि मिनिमम इसमें आपको 36 मार्क्स जो मार्क्स है आपको गेन करने थे और जो टोटल मार्क्स है वो आपके 100 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको जो 18 एक्सरसाइज आपको यहाँ पे दी हुई है, इन 18 एक्सरसाइज में से यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल मिला के 18 एक्सरसाइज आपको यहाँ पे करनी थी और 18 में से 18 नहीं करनी है दोस्तों, तो आपके लिए केवल और केवल यहाँ पे 10 एक्सरसाइज आपको करनी है। तो जो ईच एक्सरसाइज जो है वो आपकी 10 मार्क्स की है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये इन एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए काफी अच्छे तरीके से आप अपनी जो बुक्स वगैरह आपको जो अवेलेबल हुई है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का है, इसके अलावा इसमें जो वेब टेक्नोलॉजी के जो जावा वाले जो पेज है, JSP वाले, जावा स्क्रिप्ट के यूज लिया गया, HTML, ASP.PHP और इस तरह के .NET वगैरह को यूज लेते हुए और सेल स्क्रिप्ट का यूज लिया हुआ है जिसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी दी हुई है। तो अब हम पहले यहाँ से हमने कंडीशन देख ली है, कवरिंग लेटर आप यहाँ पे लगा देंगे और जल्दी से इसकी फाइल का जो प्रिंट है वो अगर आप लेके और आपकी जो भी क्षेत्रीय केंद्र है, जो भी आपका रीजनल सेंटर है, कि जो भी आपके रीजनल सेंटर है वहां पर आपको ये जमा करवा देना है और उसी के बेसिस पर आपकी जो मार्कशीट में आपके 100 मार्क्स का जो पेपर होगा वो आपका डिपॉजिट होगा। तो अब हम बात करेंगे समय खराब नहीं करते हुए, आप देख सकते हैं कि अगर आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के MCA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये फाइल जमा करवानी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपकी जून 2020 में अगर एग्जाम हो भी गई है, जो किसी वजह से आपका जो एग्जाम था वो अक्टूबर में हुआ था और इस एग्जाम की प्रैक्टिकल फाइल अगर आपने जमा नहीं करवाई है तो इस वीडियो की मदद से आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें क्रिएट ए वेब पेज टू इम्प्लीमेंट रो स्पिनिंग एंड द कॉलम स्पेनिंग यूजिंग टेबल टैग। तो यहाँ पे आपको एक वेब पेज तैयार करना था जिसमें आपको जो टेबल हम बनाते हैं जिसमें रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन जो HTML के अंदर आपको बनाना था, तो इसके एग्जाम्पल जो यहाँ पे तैयार हो गए हैं। इस तरह की आपको एक फाइल बनानी है जिसमें जो स्कॉलर नंबर है वो आपको हर पेज पे इस तरीके से लिख देना है और पेज नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आप ये देख सकते हैं कि टोटल 50 पेज की जो ये फाइल है ये आपको इस तरीके से बनानी रहेगी। और इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेबल के जो डायग्राम्स है वो आपको जरूर बनाने हैं, जिससे कि आपकी जो टेबल होगी वो काफी अट्रैक्टिव होगी। ध्यान रखना है कि जो भी एक्सरसाइज आप बनाए वो नए पेज से स्टार्ट करें। यहाँ से देख सकते हैं कि क्रिएट ए यूजर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द यूजिंग फॉर्म टैग, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फॉर्म टैग आपको बनाना था HTML कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए, तो यहाँ पे कोडिंग का इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा वो भी मैंने यहाँ पे बना दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे इसका आउटपुट है। अगली एक्सरसाइज नंबर 3 है, क्योंकि टोटल 10 एक्सरसाइज करनी है तो मैंने यहाँ पे 18 में से केवल और केवल 10 एक्सरसाइज मैंने यहाँ से सेलेक्ट की है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि राइट ए जावास्क्रिप्ट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग ए फंक्शन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द ऑल पॉजिटिव डिसेंडिंग इंटीजर में आपको तैयार करना है, तो जिसका प्रोग्राम जो यहाँ पे दिए दिया है और इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो भी यहाँ पे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है ये एक्सरसाइज आपको तैयार करनी है। और मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आज आपको MCA की जो फाइल है
वो किस तरीके से बनानी है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इस साल कि अगर आप जून 2020 में अगर आपने एडमिशन लिया है या फिर जनवरी 2021 में भी अगर आपने एडमिशन लिया है तो भी ये वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है, क्योंकि इस बार भी कोरोना की वही स्थिति है। हो सकता है कि आपकी कोई क्लासेज वगैरह नहीं लगे और यूनिवर्सिटी जो है अपने जो क्षेत्रीय केंद्र वो इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज इस बार भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी इनके पास किसी भी तरीके का कंप्यूटर सिस्टम वगैरह की जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं हो पाती थी और इस बार तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो दोस्तों आपको अपनी सेल्फ आपको तैयार करनी है, और अगर आप MCA PGDCA MScIT या BScA के स्टूडेंट है, अगर आप BCA MCA और MScIT या फिर PGD के स्टूडेंट्स हैं तो इस तरह की जो PDF फाइल जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो यहां से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है या जो प्रोजेक्ट फाइल है या असाइनमेंट आपको चाहिए तो वो भी आप मेरे स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक्सरसाइज थी जहाँ पे आपको काफी सारे जो प्रोग्राम बनाने थे वो आपने यहाँ पे बना लिए होंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5। तो यहाँ पे आपको यूजेज ऑफ द बेसिक यूनिक सेल कमांड्स जो यहाँ पे जैसे लिस्ट है, MKDIR है, RMDIR, CD, CAT, बैनर, टच फाइल और WC सॉर्ट, कट, ग्रेप, DD, DSpace एंड डू अनलिमिट। तो यू लिमिट इस तरह की जो कुछ जो शेल कमांड्स थी जो कि यूनिक्स में आपको टाइप करके आपको जिसको असाइनमेंट के रूप में आपको बना के देना था। तो यहाँ पे मैंने दो दो तीन तीन एग्जाम्पल लिए हैं और कुछ अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसी जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ से देख सकते हैं आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग कमांड्स के एग्जाम्पल आपको देने थे। और यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 6 की हम बात करेंगे जहाँ पे सेल स्क्रिप्ट में आपको चेंज डेटा फॉर्मेट, सॉरी यहाँ से बाई मिस्टेक हो गया, ये डेटा नहीं है डेट फॉर्मेट था, और यहाँ से डेट फॉर्मेट आपको चेंजेज करने हैं सेल स्क्रिप्ट के थ्रू। तो अगर आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के MCA के स्टूडेंट्स हैं तो ये प्रैक्टिकल फाइल जो है आपको जमा करवानी है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज नंबर जो 7 है जिसमें आपको राइट ए सेल स्क्रिप्ट टू काउंट लाइंस वर्ड्स एंड द करेक्टर इन इट्स इनपुट, तो इनपुट के रूप में आपको ये बनाना था जिसमें आपको WC कमांड के थ्रू भी मैंने बता दिया है और इसके अलावा जो ग्रेप कमांड होती है इसका भी यूज करके मैंने इसके आंसर आपको बना दिए हैं। तो इसका आपको PDF के रूप में इसका प्रिंट निकाल लेना है और प्रिंट जमा कराने के लिए साथ में इसकी स्पाइरल बाइंडिंग आपको करवाएं और क्षेत्र केंद्र पर जब आप डिपॉजिट करवाएं तो इसकी रिसीविंग आप जरूर लें। आप इसको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, उसके लिए आपको पता होगा कि जो भी अपना वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का जो एड्रेस है, जो भी आपका रीजनल सेंटर है, अगर आप जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर या भरतपुर, अगर आप किसी भी रीजनल सेंटर को आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसकी एंट्री करके जमा करवा दें। और अगर आपने अभी भी जमा नहीं करवाया है तो इसको जल्दी से जल्दी टाइम डिपॉजिट करवा देने में ही आपका फायदा है, और अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपकी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो यहां से देख सकते हैं कि एक्सरसाइज नंबर जो 10 है वो यहाँ पे मैंने बना दी है जिसमें इसका जो आउटपुट है वो भी मैंने यहाँ साथ में दिया है। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं कि राइट ए जावास्क्रिप्ट टू जनरेट पॉपअप विंडो एंड डिस्प्ले यूजर नेम एंड एज इन डेट विंडो, तो टोटल मिला के जो 10 एक्सरसाइज है वो यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। तो इसके लिए आप जल्दी से इसकी PDF वगैरह निकाल के इस तरह के जो आंसर है वो आपको किस तरीके से बनाने हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो टोटल 50 पेज की जो ये फाइल है यहाँ पे ये बन चुकी है, और आप अपनी जल्दी से MCA के अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आपका जून 2020 में अगर आपका सेशन कंप्लीट हो गया है तो जल्दी से इसकी जो प्रायोगिक रिकॉर्ड की जो फाइल है वो आप डिपॉजिट करवा दें, नहीं तो इसके बिना आपकी जो मार्कशीट है वो जनरेट नहीं हो पाएगी और उसमें आपका जो पेपर नॉन क्लियर, मतलब कि आपकी मार्कशीट में आपको केवल यहाँ पे NC आपको दिखाई देगा। और अगर आप जून 2020 या जनवरी 2021 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो भी इस समय की स्थिति के अनुसार आपको प्रैक्टिकल फाइल ही इसी तरीके से बनवानी होगी, किसी भी क्लास किस तरीके का क्लास का पॉसिबल नहीं होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर करें, और ये फाइल अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरे किसी भी प्रकार के जैसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में, किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट वगैरह बनाने में आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। तो ओके दोस्तों।